तो प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। सुबह 9 बजे की रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में 1799 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना संकट से लड़ने के लिए प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है, जिसे लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में 2 मार्च को कोरोना जाँच क्षमता 0 थी, जिसे बढ़ाकर 4700 तक तो बढ़ा दिया है और आगामी दिनों में इसे बढ़ाकर 10,000 करने का लक्ष्य है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में जांच सुविधा शुरू करने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ प्रदेश में 2000 नए डॉक्टरों की भर्ती का काम शुरू हो गया है और 9000 ANM और GNM पदों पर पोस्टिंग देने का फैसला लिया है। चिंता का कारण नहीं है, असलियत का पता लग रहा हमको। और इसी स्ट्रेटजी के तहत मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट कराने की जो रणनीति रखी थी, हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 थी 2 मार्च को, और इसको हमने बढ़ाते बढ़ाते 4700 टेस्ट पर डे करने की क्षमता में तो आज हम हैं। और आने वाले दिनों में 10,000 टेस्ट पर डे हम करेंगे राजस्थान में, और उसके कुछ दिनों बाद पूरे जो राजस्थान के जिला मुख्यालय हैं 33, सब जगह टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप करेंगे। हमारा जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर। 2000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का इसी बजट में अनाउंस किया था, ये ऑर्डर जारी हो गए हैं, उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1-1.5 महीने में राजस्थान में 2000 नए डॉक्टर्स की भर्ती का काम भी हम पूरा कर लेंगे। हमने अभी 735 डॉक्टर्स नए भर्ती किए, जिनको कोविड से लड़ने के लिए अलग अलग जिलों में नियुक्ति भी दे दी गई है। और अब हमारे जो 12,500 GNM और ANM के पद थे, जिनकी भर्ती की प्रोसेस हम पूरी कर चुके थे, लेकिन कुछ लिटिगेशंस की वजह से उनको पोस्टिंग देने में हमें कठिनाई आ रही थी। अब हमने एडवोकेट जनरल से राय ली है और उन्होंने कुछ जो लिटिगेशन वाले मामले हैं उनको छोड़ के 12,500 पदों में से 9,000 पदों पर ANM और GNM जिनके केसेस क्लियर है, वो लिटिगेशन के दायरे में नहीं आते हैं, उनको पोस्टिंग देने का कल ही मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। इनको भी हम फील्ड में डेपुट करें।